अच्छा जी, ये टेप हमारे पास मौजूद है और आप भी अगर टेप के कनेक्शन करना चाहते हैं, यानी ऑडियो स्टीरियो सिस्टम जो भी हो आपके पास, उसके अगर आप कनेक्शन करना चाहते होंगे तो आपको चाहिए होगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये देखें हमारे पास यहाँ पे लैटर लगा हुआ है, लैटर पोर्ट ये वाली, इसके पीछे दो वायर्स आती हैं सुजुकी मैरान का, ये बता रहा हूँ सुजुकी मैरान में इस तरह दो वायर्स आती हैं, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। इसका हमने ये किया कि उन दो वायर्स के साथ से हमने दो वायर्स ले आए आगे, तो ये हमारे पास आ गई नेगेटिव और ये आ गई दूसरी पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन सी है? वो जो हाफ स्विच के साथ, यानी एसीसी का जो करंट है पहला स्टेप, उसके साथ से उसको अभी मैं करूँगा बंद तो ये भी बंद हो जाएगी, और ऑन करूँगा तो इसमें करंट आ जाएगा। ये दो वायर्स आ गए हमारे पास ये, और बाकी जो वायर्स हैं ये हमारे पास मौजूद है सारी स्पीकर्स की। अब हम लेते हैं टेप को, करते हैं आगे। इसमें हमें चाहिए होगा एक, तीन वायर्स हमें चाहिए होती हैं, एक मेन करंट, एक हाफ स्विच का करंट और एक चाहिए होगा हमें नेगेटिव करंट। सबसे पहले हम इधर लगा लेते हैं इसको नेगेटिव करंट को। नेगेटिव के साथ हमारे पास बच जाएंगी दो वायर्स जो कि हैं पॉजिटिव करंट के लिए। एक इसमें हाफ स्विच का करंट चाहिए, एक फुल करंट चाहिए। अगर हम इसमें हाफ स्विच का करंट भी लगा देंगे तो ये फ़िलहाल ऑन हो जाएगी, लेकिन इसका रेडियो जब भी हम बंद करके ऑन किया करेंगे तो उसको रीट्यून करना पड़ता है इसके लिए। फिर इसको एक बैटरी का डायरेक्ट करंट लगा देते हैं ताकि इसको दोबारा रीट्यून ना करना पड़े। टेप हमारी ऑन हो गई है और इसके स्पीकर वाली कनेक्शन करेंगे तो ये वॉइस भी हमें देना शुरू कर देगी। इससे पहले कि हम बाकी कनेक्शन करें, पहले इसको कर लेते हैं टेप ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो। अच्छा, ये आप देखें इसके कनेक्शन का भी, यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा क्लियर हो, ये रेड कलर की जो है इग्निशन का करंट है, और इस तरफ आप देखेंगे येलो है वो बी पॉजिटिव है, और ब्लैक जो है वो हमारे पास ये मौजूद है ग्राउंड, यानी कि नेगेटिव करंट। रेड कलर इग्निशन का करंट, येलो कलर जो है वो आ गया आपका ये येलो कलर बी पॉजिटिव यानी बैटरी का करंट, और ब्लैक नेगेटिव करंट, और बाकी जो है ये सारी स्पीकर की है।
ये जी इसके कनेक्शन हमने किए हैं तो स्पीकर्स में अब आवाज़ आना शुरू हो गई है, तो अभी चेक करते हैं कि इसके बाकी